गंगा और गंडक में बढ़ते जल स्तर के बाद वैशाली के हाजीपुर और राघोपुर प्रखंड में बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ में लोगों का सब कुछ बह गया। लोग अपने घर को छोड़कर पटना हाजीपुर NH पर जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए पंडाल में रहने पर मजबूर है। बता दें कि 17 सितंबर को देर रात वैशाली में गंगा गंडक के विकराल रूप के बाद अचानक तबाही मच गया। लोगों के खेत से लेकर घर में सड़क पर पानी ही पानी नजर आने लगा। लोग घर से लेकर सड़क तक पानी में रेंगते हुए नजर आए। अचानक 6 से 8 फीट पानी आने के बाद लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। लोग घर में पानी घुसने के बाद लोग जान बचाकर अपने मवेशी और बच्चों के साथ सड़क पर आकर रहने पर मजबूर थे। तब आनन फानन में जिला प्रशासन ने एक बड़ा सा पंडाल बनाया और लोगों की रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब लोकल 18 की टीम जिला प्रशासन के बनाए गए पंडाल में पहुंची, तो लोगों का की दर्द सुनकर हैरान रह गई। जिला प्रशासन ने रहने का तो व्यवस्था किया, लेकिन लोगों के खाने का कोई व्यवस्था नहीं किया। इस पंडाल में रह रहे लोगों ने बताया कि 2 दिन से सिर्फ पानी पीकर और किसी से भीख मांग कर हम लोग अपने जीवन और बच्चों को किसी तरीके से जिंदा रख रहे हैं। लगातार तबाही ने हम लोगों का सब कुछ लूट लिया है और हमारे घर में पानी ही पानी है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक किचन की व्यवस्था नहीं की है, जिससे हमारे बच्चे भूखे हैं, बच्चे रो रहे हैं। हम लोग किसी से मांग कर लाते हैं और फिर बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन अपने क्या खाए यही सोचकर दिन और रात बीत रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है। रॉकी जगह गिर गया है, वही में रहना है। खाना उना के कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था है, टंकर आ रहा है, वही पानी पीने की व्यवस्था है। ओकर बाद बाकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इतना चूरों से भेटना है, मुखिया आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज होगा चाची, कल होगा चाची, बोल रहा हूँ। ना वो कोई आदमी ना अथी एगो अथी के अलखिन जिला परिषद के एगो दीदी अबो कल की संगीता दीदी चल गलखिन कल खुना देख के, कोई व्यवस्था ना। बच्चा लोग कैसे रह रहा है? बच्चा लोग इतना अपनी खा के तो से लोग मांग के जरा माँ लगे इतना एक मुठी दे दे खाइला। हाँ, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ना। कहाँ घर मिला? हमारे सबके 43 नंबर वार्ड में है। पंडाल बना दिए, बहुत छोड़ दिया है। बकरी भैंसी लड़का लगा सब भूखे मर रहा है। कब से यहाँ पे हैं आप लोग? 2 दिन हो गया है। सिर्फ ला के आप लोगों को रख दिया? हाँ, ला के कहाँ रख दे, अपने हेल के आए हैं। अब कोई भी चीज के व्यवस्था ना है। कितना फीट पानी होगा आपके घर पर? पानी है 6 फीट है, घर में पानी घुस गया हुआ। और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, खाना पीना कुछ, भूखे रह रहा है, मैं बना रहा है घर से ला के पानी हिल हिल के तो खा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था कुछ नहीं अभी हुआ है, खाली वो पंडाल बस। 3 दिन से रह रहे, कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। कैसे रह रहे आप लोग? ऐसे रहे, घर से बना के रह रहे, खा रहे हैं, एक टाइम खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। यहाँ जो बच्चा लोग स्कूलों कैसे ही रह रहे हैं? ऐसा ही खेलते कूदते रहता है, ऐसा ही मिलता है। कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अरे जो जानवर जो लेके आप लोग आए हैं उसका व्यवस्था कहाँ से? कहाँ जानवर से? कब जनेरा जाता है पानी में हेल के काट के लाता है तो खिलाता है ना। तो 3 रोज से हटी या कुछ व्यवस्था न, एक तो पानी के तक के कोई व्यवस्था न। धिया पुता ऐसी रोए थे तो नहीं थे, खाए बिनु पिए बिनु, न होटल पर रहते कल तो आ आदमी पानी बिनु मर गए। पानी का भी व्यवस्था नहीं है? ना पानियों के व्यवस्था न, पर खाना तक के न व्यवस्था है। कथी यहाँ बच्चा सब भूखे पिया से अपन है, कोई से मांग के ले ली, जरुआ है जरुआ से ले ली, भूख मांगा लेकिन मांग के तक खियाली रख ली। हाँ, यह ला मुखिया सरपंच रहता थी। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था न हुई? कुछ ना, एक खाली एगो टेंट दिल थी ना, और कुछ ना।